hello everyone my name is rajiv chohan and in this video i will talk in detail about political science as an optional in your upsc civil services examination according to upsc report in the last five years political science and international relation which in common parlance called as psir has been the uh, top rank fetcher according to the report from the year 2019 to the year 2022 number 1 optional choice was political science now we have to actually understand that why political science as an optional has gained so much of uh, attraction among students see if you see the syllabus from a scientific point of view you will find out many things that befit the overall scheme of this examination so today in this small video i will be telling you exactly why it has gained in prominence first thing i would say the reason is that there is a huge convergence with the syllabus if you see the general studies syllabus and the kind of question they are asking in essay then you will find that there is enormous convergence फर्स्ट थिंग इफ यू सी syllabus ऑफ political साइंस तो आप पाएंगे कि वो चार पिलर पे बेस्ड है चार चीजें उसमें बाय लार्ज पढ़ना रहता है पहला चीज पढ़ना रहता है कि पॉलिटिकल थिंकर एंड पॉलिटिकल थियरीज के बारे में पढ़ना रहता है दूसरा चीज भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत का पॉलिटी जो है उसके बारे में पढ़ना होता है तीसरा चीज जो हमें पढ़ना है वो है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स और लास्ट चीज होता है इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी तो बेसिकली ये चार चीज ओवरव्यू अगर देखेंगे तो आपके सिलेबस में अब अगर जनरल स्टडीज का आप देखते हैं चार पेपर अगर पेपर टू देखते हैं तो उसमें आपको पढ़ना रहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें आपको पढ़ना रहता है पॉलिटी uh, उसमें आपको पढ़ना रहता है इंटरनेशनल रिलेशन तो लगभग इस सिलेबस को अगर आप पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे पेपर टू का तो लगभग लगभग 95 परसेंट कन्वर्जेंस जो है वो आपके पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सिलेबस से है अब सिर्फ यहां पे ही खत्म नहीं होता है अगर आप पेपर वन जिसमें कि हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी इस तरह का सिलेबस है उसको भी अगर सही मायने पर देखे सही तरीके से देखे तो आपको कन्वर्जेंस दिखेगा जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें नेशनल मूवमेंट है और जिस नेशनल मूवमेंट के टॉपिक से प्रिलिम्स और मेन्स दोनों में सबसे ज्यादा वेटेज होता है और जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि नेशनल मूवमेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कौन क्या कंट्रीब्यूशन रहा है संविधान बनने में कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में तो वहां से भी आप नेशनलिज्म पढ़ते हैं गांधीयन मूवमेंट पढ़ते हैं ट्राइबल मूवमेंट पढ़ते हैं फार्मर्स मूवमेंट पढ़ते हैं ये सब का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारा भारत को बनने में वो चीज़ आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं और वहाँ भी पढ़ते हैं दूसरा चीज़ है कि सोसाइटी में बहुत सारा टॉपिक्स है जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूँ कि जैसे कि रीजनलिज्म के बारे में है जैसे कि सेक्युलरिज्म के बारे में है ये आपका चैप uh, सोसाइटी के सिलेबस में आता है वो चीज़ आपको एकदम एक्सप्लिसिट टर्म में और बहुत इलेबरेट टर्म में आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल साइंस में भी अब थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ पेपर वन और पेपर टू की कहानी नहीं है पेपर थ्री में भी अगर आप आएंगे उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पोलिटिकल साइंस से डेफिनेटली मैच करती है अब वो क्या चीज़ है पहला अगर मैं बताऊँ द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज इकोनॉमिक्स में एक पोर्शन है प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट लैंड रिफॉर्म्स ये सब चीज हमें बहुत ही एक्सप्लिसिट रिफाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना रहता है उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में तो इंटरनल सिक्योरिटी का अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको हमारे पास इंसर्जेंसी का इशू है हमारे पास टेररिज्म का इशू है हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन का इशू रहता है चाहे वो बांग्लादेश से रहे चाहे पाकिस्तान से रहे चाहे वो म्यांमार से रहे ये एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है और ये सब चीज़ आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस में तो आप देख सकते हैं कि पेपर थ्री ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो होल्ड इमेंस कन्वर्जेंस एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न अब बहुत लोग कहेंगे कि पेपर फोर में क्या है सर बिल्कुल अलग है जी नहीं पेपर फोर में एथिक्स के पेपर में तीन पोर्शन में एथिक्स डिवाइडेड है पोर्शन नंबर वन फिलोसॉफिकल पोर्शन पोर्शन नंबर टू साइकोलॉजी से रिलेटेड है पोर्शन नंबर थ्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और मैं आपको बता दूं अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो फिलोसफी पोर्शन से तीन सवाल हर साल यूपीएससी पूछता है हर साल पूछता है सिंस 2013 और वो तीन सवाल ही बहुत गहरे सवाल होते हैं ठीक है जैसे कि एन आई टू एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड अब इस पर आपको बोलते हैं कमेंट करिए अब इस तरह का चीज जो है और एक बार उन्होंने पूछा था रोल्स थियरी ऑफ जस्टिस कि उनका सोशल जस्टिस का क्या आइडिया अब ये सब चीज कहाँ पढ़ते हैं आप ये सब चीज जितना भी फिलोसफी वाला कन्वर्जेंस है वो सब के सब आप चीज पढ़ते हैं कहाँ से पढ़ते हैं पोलिटिकल साइंस में तो अगर इस चारों सिलेबस जनरल स्टडीज के बारे में हम बात करें तो हमारा बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस है अब आते हैं एस में मैं बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा एस को कोई लेना देना नहीं है कोई ऑप्शनल पर्टिकुलर ऑप्शनल से अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जिनका फिजिक्स ऑप्शनल होता है मैथमेटिक्स ऑप्शनल होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल होता है इस तरह के ढेर सारे तमिल लिटरेचर ऑप्शनल होता है वो लोग भी तो वहां पर ला रहे हैं वन हंड्रेड मार्क्स वन मार्क्स भी ले आ रहे हैं तो बहुत जरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारा ऑप्शनल जो है वो ऐसे में भी यूटिलिटी का है तो उसमें मैं सिर्फ कहूंगा कि दो ही ऐसा ऑप्शनल है जो कि यूटिलिटी का बन सकता है कोई फायदा अगर दे सकता है तो सिर्फ वही दो चीज दे सकता है और उसमें नंबर वन आएगा आपका फिलॉसफी ऑप्शनल क्यों मैं कह रहा हूं फिलोसॉफी ऑप्शनल क्योंकि जितने भी आठ टॉपिक्स आते हैं जिनमें कि दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है ऑल दोज टॉपिक्स इन द लास्ट फोर इयर्स इट हैज इट इज इन रिकॉर्ड यू कैन गो एंड चेक द क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड आउट दैट ऑल द एट क्वेश्चन सिंस फॉर द लास्ट फोर ईयर्स आर फिलोसोफिकल इन नेचर वो बोलते हैं रियल इज रैशनल रैशनल इज रियल अब ये सब चीज कहां पढ़ते हैं आप हीगल ने कहा यह चीज हीगल के बारे में कहा पढ़ते हैं आप हीगल के बारे में सिर्फ दो ही जगह पढ़ते हैं आप एक जगह फिलोसफी ऑप्शनल में और दूसरा अगर कहीं पे थोड़ा भी अगर फायदा मिल सकता है ऑप्शनल से वो है पॉलिटिकल साइंस क्योंकि नंबर ऑफ थिंकर्स और फिलोसोफर जो पढ़ते हैं सबसे अधिक आप पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं तो अगर कोई यूटिलिटी है देन सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शनल जो है उन्हीं का है अब ये तो बात हो गई मेन्स का अब सवाल आता है कि क्या हमें इंटरव्यू में कोई फायदा मिलता है इज देर एनी बेनिफिट एट ऑल तो मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में तीन चार एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है एक एरिया है कि आपका डी एफ होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50% परसेंट अप्रोक्सीमेटली रिमेनिंग 50 परसेंट जो है उसमें से आपके बैकग्राउंड से हो सकता है टेक्निकल बैकग्राउंड हो या जो भी हो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड उससे हो सकता है पांच दस परसेंट क्वेश्चन पूछे चांसेस कम रहता है लेकिन पूछते हैं और जो मैक्सिमम रहता है वो रहता है कि करंट अफेयर्स पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है तो करंट अफेयर्स में मैक्सिमम जो इश्यूज होता है वो कौन सा इशू होता है सबसे ज्यादा इशू होता है इंटरनेशनल रिलेशन चाहे वो आप यूक्रेन का वॉर देख लीजिए डी ग्लोबलाइजेशन का फेनोमेना देख लीजिए या हमास रिलेटेड वॉर देख लीजिए या हुटीज का रेड सीक में जो चल रहा है मामला वो देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए जो ईरान ने आ, पाकिस्तान पे रॉकेट से अटैक किया ये सब इंटरनेशनल मुद्दा है ये नंबर वन सबसे ज़्यादा इशू जिसका रहता है नंबर टू रहता है कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया कि एलेक्ट्रल बॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ठीक है तो वो एक इशू हो गया पॉलिटी रिलेटेड इशू है कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं और तीसरा कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर होता है वो होता है सोशल इश्यूज का तो इन तीन मुद्दों में से आउट ऑफ दिस थ्री डोमेन्स आउट ऑफ दिस थ्री स्फेयर्स यू हैव टू स्फेयर व्हिच हैज कन्वर्जेंस विथ पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल एंड नो वंडर वाई पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल हैज गेन्ड इन प्रोमिनंस इन द लास्ट फोर ईयर्स एंड इट इज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेलेक्शन और मैं आपको एक फैक्ट देना चाहूंगा तो पिछले के पिछले साल का अगर मैं बात करूँ तो टोटल तो जो सेलेक्शन हुआ था नाइन हंड्रेड अप्रोक्सीमेटली उसमें वन सेवेंटी थ्री स्टूडेंट पोलिटिकल साइंस से थे और नंबर टू पे उस टाइम में जोग्राफी या सोशोलॉजी था जिनमें कि नाइनटी वन या फिर 91, 93 इस तरह का कुछ फिगर था तो आप देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस देयर 173 एंड uh, 92, 93 तो सबसे पहले जान लीजिए जो 2014 2014 के बाद से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल फेमस हुआ है उससे पहले ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग बहुत कम प्रिफर करते थे नाउ द मूट क्वेश्चन इज वॉट हैपन्ड एग्जैक्टली इन टू थाउजेंड फोर्टीन दैट पीपल है तो मैं कहना चाहूंगा कि टू थाउजेंड थर्टीन में जो चेंज आया था ऑप्शनल यूपीएससी uh, के एग्जाम के सिलेबस में और पैटर्न में उसके कारण से लोगों का प्रिफरेंस बढ़ा क्योंकि कन्वर्जेंस अगर मार्क्स के टर्म में देखें तो पिछली दफा लास्ट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी uh, टू का मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि 360 सौ साठ आउट ऑफ वन थाउजेंड मार्क्स एक हजार मार्क्स में से 360 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपको अगर किसी का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो वो बना सकता है बिना उस एरिया जो ऑप्शनल uh, का है उसको uh, जो जनरल स्टडीज का है उसको पिक किए हुए तो कन्वर्जेंस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसीलिए ये फेमस हुआ है उसके अलावा कोई और रीजन नहीं है दूसरी बात कि लगातार टॉपर दे रहे हैं ये और दूसरी बात ये है कि इनका जो सिलेबस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और याद करने वाला बहुत नहीं है बड़ा ही साइंटिफिक है कि, कि किसी ने कोई चीज जस्टिस पे बोला क्यों बोला कैसे बोला उसका एप्लीकेशन क्या है बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड सिलेबस है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है स्टोरी लाइन के मैनर में आप समझते हैं इस ऑप्शनल को तो जो जिनका बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं है इनफैक्ट उनका नंबर वन चॉइस आज के डेट में बन गया है पॉलिटिकल साइंस क्यों क्योंकि याद करना इसमें बहुत कम है और अप्रोच जो है इनका पूरा साइंटिफिक है और क्वेश्चन का जो प्रडिक्टबिलिटी है वो बहुत हाई डिग्री ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी है आप जो प्रिपेयर करके जाते हैं बाय एंड लार्ज वहीं से क्वेश्चन आता है ये सब कारण से आपका ये ऑप्शनल टॉप लेवल ऑप्शनल बना है सो दिज आर द थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू आई बिलीव दैट दिस वीडियो विल गिव यू एन इनसाइट इन टू द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सो thank you thank you very much and stay tuned similar kind of videos will be coming coming very soon thank you hello